दोस्तों ओनली मैं इस वीडियो में इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, और वो भी इंडिगो फ्लाइट की ओनली। तो काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमें कनेक्टिंग फ्लाइट में हमें कितने बोर्डिंग पास लेने रहेंगे, और हमारा बैग हमें कहाँ मिलेगा, क्या हमारा बैग हमें खुद से ट्रांसफर करना रहेगा, क्या एयरलाइंस वाले हमारा बैग को खुद ट्रांसफर कराएंगे। इसी के साथ साथ हमारा ये भी क्वेश्चन रहता है कि जब हम कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं तो अराइवल गेट से हम डिपोचर गेट तक हमें एयरलाइंस की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हेलो आए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल करते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन तक हमें डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल पाती है, तो उस सिचुएशन में हमें कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी ही पड़ती है। तो वो सब डिटेल्स, यानी कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमें मेरा बोर्डिंग पास हमें कितने मिलेंगे, और हमारा बैग चेकिंग कैसे होगा, और हमारा बैगेज ट्रांसफर कैसे होगा, और हमारा जो अराइवल गेट से हमें डिपोचर गेट तक एयरलाइंस की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी। इसी के साथ साथ जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा पासपोर्ट वीजा वो कहाँ चेक होगा, वो सब जो डाउट्स हैं इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे और कंटिन्यू आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में बताता हूँ। तो कनेक्टिंग फ्लाइट होता क्या है? कनेक्टिंग फ्लाइट का मतलब ये होता है जब हम एक से अधिक फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और अलग अलग एयरपोर्ट से, तो उसे हम कनेक्टिंग फ्लाइट बोलते हैं। तो कनेक्टिंग फ्लाइट के जो रूल्स हैं इंडिगो के, वो मैं बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जहाँ से हम अपनी जो ट्रैवल यानी कि यात्रा शुरू करेंगे, वहीं पर हमें मेरे जो बोर्डिंग पास हैं वो दे दिए जाएंगे। एक साथ आपको एक ही जगह यानी कि जहां से ट्रैवल स्टार्ट करेंगे वहां आपको बोर्डिंग पास आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रहेगा क्या, जो आपका बैगेज रहेगा वो भी आपको बैगेज वहां पर काउंटर पर छोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जब आप ले ओवर यानी कि ले ओवर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से आपको जो दूसरी फ्लाइट पकड़नी रहेगी, तो यहाँ पर रहता है कि हमारा बैगेज कैसे ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों सुन लीजिए, जब हम टिकट बुक करते हैं अगर हमारा एक ही पीएनआर है, पीएनआर हमारा सेम है दोनों फ्लाइटों का, और हमारी जो एयरलाइंस है वो भी सेम है, सपोज दैट हमारा पीएनआर नंबर तो सेम है और एयरलाइंस जैसे मेरी पहले से जहां से मैंने यात्रा स्टार्ट की वो भी इंडिगो थी, और यहाँ से भी जिस एयरपोर्ट पर हम पहुंचे यहाँ से हमारी इंडिगो है और सेम पीएनआर है, तो इस सिचुएशन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो बैगेज ट्रांसफर का जो भी प्रोसेस है वो एयरलाइंस वाले खुद ही करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। हाँ, यदि आपका यहाँ पर पीएनआर अलग होता और इसी के साथ साथ आपकी जो एयरलाइंस है वो भी डिफरेंट होती, तो इस सिचुएशन में आपको जो आपका जो बैगेज है वो आपको खुद कलेक्ट करना पड़ता और उसके बाद आप दूसरी फ्लाइट में चढ़ पाते। तो इसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर बैगेज का क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया है इंटरनेशनल लेवल के लिए। और आपका जो वीजा पासपोर्ट रहेगा वो कहाँ चेकिंग होगा, तो वो दोस्तों सबसे पहले जहां से हम ट्रैवल स्टार्ट करेंगे वो हमें वीजा वहां दिखाना रहेगा, और हमारे जो पासपोर्ट हमारे फुल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होंगे उसके बाद हम ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के लिए बात करूं, अन्यथा एक भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमारा गड़बड़ है या सही नहीं, तो हम बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा इसमें क्या रहता है, जैसे कि जो हमारे एयरपोर्ट पर टर्मिनल हमारे दूर दूर रहते हैं, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कि अराइवल टर्मिनल हमारा और वहां से डिपोचर, इसमें कनेक्टिंग फ्लाइट में ये हमें देखना पड़ता है, क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी फ्लाइट वो दूसरी फ्लाइट कितने टाइम से उस एयरपोर्ट से खुलेगी, वहां का ले ओवर टाइम है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो उनके टर्मिनल रहते दूर दूर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम कनेक्टिंग फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारे टर्मिनल रहते हैं, तो अराइवल टर्मिनल से डिपोचर टर्मिनल तक एयरलाइंस की तरफ से हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये इंडिगो एयरलाइंस बिल्कुल भी हमें ये सुविधा यानी कि हमें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगी, हमें खुद से ही जाना है, वो भी टाइम के साथ साथ, यानी कि हमारा हमें टाइम भी देखना पड़ेगा वहां पहुंचने, यानी कि हमारी फ्लाइट जो है वहां हमारी फ्लाइट छूटे ना, तो वो टाइम का हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, उस टाइम में हमें पहुंचना है। यदि अब यहाँ पर भी सवाल आता है कि हम कनेक्टिंग फ्लाइट को छोड़ दें या कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कनेक्टिंग फ्लाइट छोड़ दें,
तो उसमें क्या होता है, फिर जो एयरलाइंस होती हैं आपकी जो आईडी है वो बुक कर देंगे, आप फिर जो आपकी अदर भी यात्रा है उसे आप कैंसिल कर देंगे, या फिर कभी यानी कि फ्यूचर में तो आप या ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आपके लिए जो चार्जेस रहेंगे वो अलग रहेंगे इस तरीके से। तो इसी के साथ साथ थोड़ा मैं और एक लाइन कवर करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा बैगेज हमें कहाँ मिलेगा कनेक्टिंग फ्लाइट में। तो कनेक्टिंग फ्लाइट आपने ली है, आपका जो सेम फ्लाइट है यानी कि सेम पीएनआर है वही सेम प्रोसेस है, तो आपका जो यानी कि आपकी जो डेस्टिनेशन है आपकी जहां तक आप जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन को आपकी वहीं पर आपको बैगेज मिलेगा। सपोज दैट जहां से आप दिल्ली से दुबई जा रहे हैं तो यानी कि आपको दिल्ली से यानी कि जो आपका ले ओवर टाइम बम्बई में है तो आपको बम्बई में आपका लगेज आपको नहीं मिलेगा, वो आपका जो बैगेज है वो आपको दुबई डायरेक्ट मिलेगा। ये इंडिगो के जो रूल हैं वो यही रूल है, आपको बीच में आपका चेक इन लगेज नहीं मिलेगा, कैबिन बैगेज है वो अपने साथ रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि बैग चेकिंग यानी कि जब हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है, जब लो ले ओवर वाले एयरपोर्ट पर हम जाते हैं, जैसे मैंने दिल्ली से मुंबई आया तो मुंबई हमें फिर जो रीचेकिंग कैसे करानी पड़ती है, इस सिचुएशन में क्या आपको रीचेकिंग करानी पड़ेगी? जी बिल्कुल भी नहीं आपको करानी पड़ेगी। क्यों नहीं करानी पड़ेगी? आपका जो जो आपका पीएनआर है वो भी सेम है, आपकी एयरलाइंस है वो भी सेम है। अगर कोई दूसरी एयरलाइंस होती तो वो आपको रीचेकिंग करने के लिए बोलेगी, कोई भी हो है तो वो आपको बोलेगी यानी कि फिर से आपको चेकिंग करानी पड़ेगी। अभी आप अगर आपका सेम एयरलाइंस है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करानी पड़ेगी। तो मैंने बहुत सारी चीजों का इस वीडियो में क्लियर कर दिया दोस्तों, कनेक्टिंग फ्लाइट का मैंने फुल प्रोसीजर बता दिया है इंडिगो इंटरनेशनल के लिए। इस तरीके से आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।